5 वर्षीय बालिका से दुष्कर्म के आरोपी पड़ोसी को डीएनए रिपोर्ट के आधार पर हुई सजा। न्यायाधीश श्री बन्ना लाल जाट द्वारा पोक्सो एक्ट के आरोपी को आज 20 वर्ष का कठोर कारावास और 59,000 अर्थदंड से दंडित किया है। और घटनानुसार परिवादी ने केकड़ी थाने में एक रिपोर्ट इस आशय की दर्ज कराई थी कि परिवार उसकी 5 वर्षीय बच्ची घर के बाहर खेल रही थी और उसको पड़ोसी चीज़ दिलाने के बहाने अपने घर ले गया और उस बच्ची के साथ गलत काम किया। जब वो बच्ची घर पर आई तो उसने अपनी माँ को पेट में दर्द होने की शिकायत की, तो माँ ने उस बच्ची से प्यार से तसल्ली से पूछा तो बच्ची ने उसकी माँ को सारी चीज़ बताई कि पड़ोस में रहने वाले अंकल उसको घर पर ले गया और उसके साथ गलत काम किया। तत्काल प्रभाव से उसके दादा ने पुलिस थाना केकड़ी में इस घटना की रिपोर्ट दी और पुलिस ने तत्काल कार्य करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया और माननीय न्यायालय में समक्ष पेश किया। पीड़िता के साथ घटना की पुष्टि विधि विज्ञान प्रयोगशाला से प्राप्त डीएनए और एफएसएल रिपोर्ट से हुई और माननीय न्यायालय के समक्ष अभियोजन पक्ष की ओर से 12 गवाह और 23 दस्तावेज प्रदर्शित कराए गए, जिस पर विश्वास करते हुए आज माननीय न्यायालय ने अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास से दंडित किया है।